नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, रानिया में मौजूद हूँ। रानिया में गुरनाम सिंह चंदूनी के स्वागत के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से गाड़ी और ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो किसानों के द्वारा यहाँ पे इकट्ठा किया गया, खड़ा किया गया है। किसान जो है हजारों लाखों की संख्या में किसान जो गुरनाम सिंह चंदूनी के स्वागत के लिए जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए, कुछ एक किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद मैं आगे की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? ये जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं भी, इन किसानों को कानून का समझ नहीं आता। तो हम पढ़े लिखे हुए युवा किसान हैं, हमें सब पता है इन कानून के बारे में। ये बीजेपी वालों को देखना चाहिए कि इन कानून में क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं है। हर बारी बोलते हैं हम समझाएंगे, समझाते हमें आज तक 40, 41, 42 दिन हो गए, अभी तक हमारे समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि इन कानून में कमियां हैं जो कि वापिस होने के बाद ही होगी। भाई, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम मरते मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो दिखाना चाहूँगा। आगे तक जा करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से सैकड़ों हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। किसान जो है वो लगातार ट्रैक्टरों पे बैठ करके प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करूँ तो ये ट्रैक्टर जो है वो रानिया पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार के इन नियमों के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसानों से अपील कर रहे हैं। चलिए, मैं आगे की तस्वीरें आपको और दिखाऊंगा दूसरी तरफ की। यहाँ पे देखिए आपकी किसान किस प्रकार से ट्रैक्टर पे खड़े हो करके, ट्रैक्टर पे बैठ करके, झंडे लगा करके यहाँ पे जो है वो जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो सुरक्षा की व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए पुलिस भी यहाँ पे अपनी अच्छी ड्यूटी निभा रही है। और चलिए आगे की तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किसान जो है वो ट्रैक्टर पे अब एक यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, यानी कि सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर पे किसान जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ की, पीछे की तरफ की और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए एक एक ट्रैक्टर पे तीन तीन चार चार किसान भी हैं, एक किसान भी है, यानी कि हजारों की संख्या में किसान जो है वो हमें यहाँ पे ट्रैक्टर पे दिखाई दिए हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैक्टर पे बच्चे, जो छोटे किसान हैं, किसानों के जो बच्चे हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दिए। मैं आपको थोड़ा इधर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे किस प्रकार से किसानों के समर्थन में आए हुए हैं। तीनों बिल रद्द करवाने के लिए यहाँ पे आए और तीनों बिल रद्द करवा के छोड़ने की बात जो है वो यहाँ पे किसान पुत्रों ने कही है। यहाँ पे देखिए आप तस्वीरें, आप मैं आपको आगे आकर के दिखाना चाहूँगा, तस्वीरें देखिए किस प्रकार से दोनों तरफ जो है वो ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े कर रखे हैं और पुलिस जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पुलिस के और होमगार्ड के जवान भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। एक ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, असी काले कानून वापस लो, मोदी सरकार नू ये अपना बयान देना चाहते हैं। सारे किसान इकट्ठे हो गए 26 जनवरी नू तुसी हां जी हां जी जरूर पहला पहुंचना, अभी पहला जाना, असी 22 नू ही पहुंचांगे, जरूर जाएंगे जरूर। शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे देखिए आपको अलग तरह की तस्वीरें जो है वो मैं यहाँ पे किसान आंदोलन की दिखा रहा हूँ। वो देखिए ट्रैक्टर की छत पे चढ़ा हुआ किसान क्या कुछ कहना चाहता है, चलिए जानते हैं, बातचीत करते हैं। नहीं जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहूँगा? हाँ जी, हमारे जो किसान नेता हैं, जो भी हमें विचार दे गए हम उन पर अमल करेंगे।
और इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब भी वो हमें बुलाएं, जहां भी बुलाएं, दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली जाकर भी आए हैं, और हम इस संघर्ष में शामिल हमेशा रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे लगातार जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबी जो ट्रैक्टरों की लाइन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दी है, और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि 26 जनवरी को होने वाली परेड में रानिया से ज़्यादा संख्या में किसान जो है वो अपनी भागीदारी दिखाएंगे, और ये जो 3 कानून है इनको वापस करवाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि किसानों की इतनी बढ़ती संख्या को देख करके और किसानों के दबाव पे सरकार अपने पीछे कदम लेती है या फिर सरकार और ज़्यादा आगे कदम लेती है, यानी कि ये कानून रद्द नहीं करती है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।